feature workshop section of this sample 01. ठीक है यहाँ चलते हैं. उस दिन कहाँ काम बटके थे. जैसे एक तो ये था ना कि ये था यूटिलिटी में थे ना, तो ये मॉडिफाई हार्ड डी रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रोफाइल. तो इसमें तो देखें ये 1000 है ना. 1000 का मतलब ये है कि कहीं से मैं देख लेता हूँ क्लास सेक्शन डाल. ठीक है ना जी. तो ये देखें ये आपका 0 जमा 125 पे चल रहा है. तो ये जमा का निशान जो है तो ये कहाँ जाके चेंज होता है. जहाँ 1000 होता है तो फिर वहाँ 1+ हो जाता है. ठीक है ना. फिर 1+025 हो जाता है. तो ये है ये क्या साइन स्टेप है. ये हमारा जो है हर स्टेप 1000 के बाद होता है. अगर मैं इसको जो है तो 500 कर दूँ तो फिर क्या होगा. फिर ये जो है तो ये 500 के बाद जो है यानी जब 500 आएगा तो ये 1+ हो जाएगा. जब ये 500 आएगा तो ये 1+ हो जाएगा और जब 1000 आएगा तो ये 2+ हो जाएगा. तो ये सिलेक्ट RD वैल्यूज फ्रॉम सेक्शन इधर आएँ और जब बस सबको सिलेक्ट करें तो ये जितनी भी RDs हैं ना वो सिलेक्ट हो जाती हैं. ये सिर्फ ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाती है. फिर हम इसे कहते हैं अप्लाई. तो उसने जो है तो अल्टरनेट RD लिखी. अल्टरनेट का मतलब इसने क्या लिख दिया कि ये जी ये हो गया ना. अब देखें ये तो शुरू में तो क्या चला है. ठीक है हाँ ये शुरू में तो 0-0 चला है ना. ठीक है ना जी. फिर ये हम आए आगे 450. तो फिर जब ये 500 हो गया तो फिर ये दूसरा क्या हो गया है 1+ हो गया. ठीक है. ये स्टेप वैल्यू हमने यहाँ पे 500 कर दिया है ना. तो आप नहीं ना लेकिन ये स्टेप वैल्यू हमने 500 कर दी है ना. ये वही हिसाब है ना. वो क्या है वो कश्मीर वाला जो सेटअप होता है ये उसके लिए बेसिकली बना था कि हम मसलन कितने उसके बाद ये करना चाहते हैं. ठीक है जी. ऐसे ही जब आप जो है तो 1000 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2+ हो जाएगा. तो ये 2+ में आपका स्टेप क्या है कि हर 500 मीटर के बाद जो है तो इसको आपने यूनिट के बाद तब्दील कर दिया. तो वो जो असली वाली है उनको भी रहने देता है और वो नई भी जो है तो ये देखें ये वो ये किस फॉर्म में ये है TXT RD0 की लेयर में और ये किस लेयर में TXT RD0 स्टेप वाइज ये जो है तो स्टेप वाइज है. ठीक है जी.